निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, मीडिया में पूरा डिनाई किया, अभी रेप केस हो गया, मुंबई में केस हो गया, मैसूर में, अभी आदिल को करना क्या है पता नहीं। उनके माँ बाप को फोन करी, उनके माँ बाप बहुत गंदा मेरे को बोले कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं किए। बोलते तू हिंदू है, बहुत गंदा बोला। मेरे एक इस्लाम कबूल करने से इनको 7 पोस्ट इनकी जन्नत में जाएगी। बिल्कुल, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं नमाज पढ़ती। आज आप देखिए बुरखा साड़ी सब पहन के आई, क्योंकि अपने पति और हम ससुराल वालों की इज्जत में, इस्लाम की रिस्पेक्ट में ये सब मिलके मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अभी मेरे को क्या करना, क्या इस्लाम में रहना या फिर से वही जहां से आई वहां चले जाना। सास ससुर साथ नहीं दे रहे, पति साथ नहीं दे रहा, क्या करना मुझे। मैसूर वालों से मैं कहती कि मेरे को जस्टिस दिलाओ। अपाज विषय शैली राजा राम जाकिर भाई जितने भी बाबू भाई जितने भी लोग हैं मैसूर के लोग, मौलाना जी माननीय जितने भी यहाँ के मंत्री है, एमएलए है मैसूर के, हिंदुस्तान के मुस्लिम्स, हिंदुस्तान के मौलाना, क्या करना मुझे। एक लड़का मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करके चला गया। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं कि वो खिलवाड़ कर सकता। अभी अपना ही नहीं ये लोग तो फिर लव जिहाद ही हो गया ना। क्या हो गया बताइए आप मुझे, क्या लव जिहाद है या नहीं है, ये नहीं अपना रहे मुझे। क्या आगे का मौका मिल रहा है ना आबाज जी, मेरा इस्तेमाल किया। इन्होंने बोला था मैं तुम्हारे साथ रोजा करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ उमरा करना चाह रहा हूं। मैं तो रेडी थी हर चीज के लिए। उनके डैडी आज ही बोले हम तुमको नहीं अपनाए बेटा।